नमस्कार, वीरी टीवी भारत के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दिवाली के दो दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस बार भाई दूज का पर्व 27 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें आरती करती और माथे पर तिलक लगाती हैं, भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन भाई दूज के दिन भाई के तिलक करने से पहले भाई दूज की कथा करने की परंपरा है। भाई दूज का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए मुख्य त्योहारों में से एक है। हर वर्ष भाई दूज का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। हमारे देश में हर त्योहार मनाने के पीछे एक कारण छिपा होता है। ठीक उसी प्रकार भाई दूज के पर्व के पीछे भी दो कारण हैं। इन दो कारणों में से एक है यमराज और उनकी बहन यमुना से संबंधित, और वही दूसरा कारण है भगवान कृष्ण और सुभद्रा से जुड़ा हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि किस कारण की वजह से भगवान कृष्ण और सुभद्रा का भाई दूज के त्योहार से संबंध माना जाता है। भाई दूज का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है कि इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती है और भाई उन्हें तोहफे पर शगुन देता है। आपको बता दें कि इस दिन बहनें व्रत को पूर्ण करके अपने भाई के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना भगवान यम और यमुना से करती है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही भाई बहन का रिश्ता भी मजबूत होता है। कई परंपराओं के अनुसार भाई दूज पर बहनें अपने भाई को नारियल देती हैं और गोधन को भी कूटती हैं। अब आपको बताते हैं भगवान कृष्ण सुभद्रा से मिलने क्यों गए थे। भगवान कृष्ण से जुड़ी कई सारी कथाएं हिंदू पुराणों में शामिल है। आपको बता दें कि सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके बाद वह अपनी बहन से मिलने गए थे। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया था और आरती भी की थी। यही नहीं, सुभद्रा ने भगवान कृष्ण जी के माथे पर टीका भी लगाया था और कृष्ण जी ने उन्हें हमेशा रक्षा करने का वचन दिया था। इस कारण से ही भाई दूज का पर्व भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा से जुड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं क्यों यमराज और यमुना की पूजा होती है। आपको बता दें, इस दिन यमराज और यमुना की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन से कई सालों के बाद मिलने आए थे और यमुना जी ने उनका स्वागत उनको टीका लगाकर किया था। साथ ही उन्होंने अपने घर पर यमराज को भोजन भी कराया था और हर वर्ष उन्हें आने के लिए कहा था। इस कारण से ही भाई दूज के पर्व पर मुख्य रूप से माता यमुना और यमराज जी की पूजा की जाती है। तो आज मैंने आपको भाई दूज से जुड़ी दो पौराणिक कथाओं के बारे में बताया। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए वीरी टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।